हमर सजनी पर हमरो गुमान, गे परान। नमस्कार सब दर्शकजन के, हम रुपेश शाह और पेशागत हम एक शिक्षक छी और अहाँ सबके बीच में आइ अपन भाषा में कुछ कहे जा रहल छी। अब तक अहाँ सब हमर जितना भी वीडियो देखल होबै, या तो नेपाली में रहल होइत या तो इंग्लिश में रहल होइत, पर आइ हमरा अपन भाषा में कुछ बोल के अहाँ सबके बीच में लावे के मन कैलक। वैसे आज हम अपन भाषा में भी वीडियो बनैली। हम आके सबसे पहले अपन भाषा के बारे में बताबे चाहे छी। अभी जो हम भाषा बोल रहल छी, ई शुद्ध मैथिली भी नहीं अछि, नहि भोजपुरी अछि, न ई ठीक से बाजिका अछि। तो हमनी के भाषा की अछि? हम सब खुद कन्फ्यूजन में पड़ल छी कि हमनी के भाषा की अछि। नेपाल में जन्म भेल, मधेश प्रदेश में रह रहल छी, धनुषा मौतरी में होइती तो शायद अच्छा से मैथिली बोल पैती, मैथिली के मिठास की सुगंध ले पैती। रौतहट बारा परसा और अगर रहती तो भोजपुरी सुन पैती और भोजपुरी के मिठास, भोजपुरी के रस पी पैती। पर हम सब तो एक अजीब मोड पर आ चुकल छी अपन भाषा के लेके। पता ना हमनी कौन भाषा बोल रहल छी, न एकर कोई किताब रहल अछि आ न त एकर भाषा में कोई गीत लिखल गेल अछि। अभी जो ना गीत सुन लिया, ये गीत मैथिली गीत अछि, मैथिली भाषा के अछि। तो हमनी के कोई भी कोई इंसान कहिए कि मैथिली अछि, तो कोई कहिए भोजपुरी अछि, पर हमनी के खुद न पता हमनी कौन भाषा बोली छी। हमनी के भाषा में न मैथिली के स्वाद अछि न भोजपुरी अछि, पर ए दुनू के मिक्स क के हम सब जन भाषा बोली छी। कोनो कोनो के कहल जाइए कि ई ठेठ भाषा अछि। अब ठेठ भाषा केहन होइए, उ हमनी के बस बोल रहल छी इतने पता बा। कला कि ए भाषा में न तो कोई किताब लिखल गेल बा, न तो कोई गीत सुनायल जाइए आ न तो कोई कविता और न कोई कहानी। हम सरलाई जिला से बिलोंग करी छी और सरलाई जिला के भाषा कौन भाषा है, ये अब हम अहाँ सबसे पूछे चाहे छी। कृपया अपना जिला में कौन भाषा बोलल जाइए शेयर कर दियू। अगर सिरहा सप्तरी मौतरी धनुषा में रहती तो मैथिली बोलती, रौतहट बारा परसा में रहती तो भोजपुरी बोलती, मगर न तो हम रौतहट में छी, न तो बारा में, न तो परसा में, न तो सिरहा, न सप्तरी, न मौतरी, न धनुषा में। हम ठीक बीच में, मध्य प्रदेश के ठीक बीच के जिला सरलाई में छी और सरलाई जिला में कौन भाषा बोलल जाइए हम बहुत भारी कन्फ्यूजन में छी। ई भाषा कौन अछि कृपया कमेंट करके बता दू, मैथिली है कि भोजपुरी है कि ठेठ है कि बाजिका है, बता दू। अहाँ सबके समक्ष हम प्रश्न रखले छी और जवाब के इंतजार करे छी। धन्यवाद।